गाइस, वेलकम टू माय चैनल और नमस्ते। सो आज मैं आपके साथ एक दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही थी एक दिन बैठे बैठे कि लॉकडाउन हुआ, इतने दिन तक हम घर में रहे और इस लॉकडाउन में हमने सीखा तो सीखा क्या। मैंने तो खैर बहुत सारी चीज़ें सीखी है, हो सकता है आप भी उन चीज़ों से रिलेट करो, इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने सारे लोग इस बात से रिलेट करते हैं और कितने सारे लोगों ने वही चीज़ सीखी जो मैंने सीखी। हो सकता है आपने कुछ और भी सीखा हो, पर शुरू करते हैं ऐसी 5 चीज़ों से जो कि रिलेट करती हैं लॉकडाउन को। सबसे पहले बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लाइफ अगर हमें जीनी है अच्छे तरीके से तो उसमें इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हम उसे एक्सपेंसिव बनाते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो एक्सपेंसिव है। लाइफ अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं तो वो एक्सपेंसिव नहीं है, लाइफ स्टाइल जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है हमारी। तो अगर हम एक्सपेंसिव ना भी दिखें, लाइफ स्टाइल अपनी एक्सपेंसिव ना ही मेंटेन करें, तो भी हम आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। पहली चीज़ ये सीखी है मैंने लॉकडाउन से। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है वो है टाइम मैनेजमेंट। यस, आम दिनों में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी होता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, 10 काम रहते हैं, इतने सारे काम करने हैं, बाहर जाना है, ये वो, बट घर में रहकर भी टाइम मैनेजमेंट करना ये भी बहुत बड़ी बात है। घर में कितने सारे ऐसे वर्किंग लोग हैं जो घर में हैं और सोचते थे ओ माय गॉड मैं घर में क्या करूं, तो वो भी आजकल टाइम मैनेज कर रहे हैं। आजकल हर घर बहुत ही सुंदर हो गया है, डीप क्लीनिंग हो गई है हर घर में, दिवाली के बजाय अभी ही डीप क्लीनिंग हो गई है। इसका मतलब ये है नहीं कि सिर्फ दिवाली में ही क्लीनिंग होती है, दिवाली के अलावा भी क्लीनिंग होती है और दिवाली के अलावा भी हर घर बहुत सुंदर दिख सकता है। कितने सारे लूडो कैरम सब लोगों ने ऐसे निकाल लिए, लोग मज़े से खेल रहे हैं, लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, हर किसी के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जिस टाइम स्पेंड करने के लिए लोगों को छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, कहीं घूमने जाना पड़ता है, वो चीज़ वो घर में कर रहे हैं और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैंने सोचा ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि हर एक इंसान को मिला है अभी के टाइम में, क्योंकि इंसान आज के डेट में इतना बिजी हो गया है कि वो अपनी लाइफ भूल गया है कि हमें टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में कैसे करना है। और ये लॉकडाउन ने सिखाया है हाउ टू मैनेज टाइम। थर्ड चीज़ मैंने सीखी है वो ये है सेविंग। यस, जो हम अच्छे दिनों में अपने सेव करते हैं वो हमारे बुरे वक्त के लिए काम आता है। अभी इतने दिनों से लोगों की कितने लोगों की सैलरी नहीं आई है, कितने लोगों की सैलरी कम आई है, कितने लोग बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनकी जो भी सेविंग्स थी वो ही चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे दिनों में हम जो भी सेव करेंगे वो हमारे फ्यूचर के लिए और बुरे दिनों के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। सो सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। इस लॉकडाउन में जो मैंने सीखा है वो सेविंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको भी ये लगता होगा कि सेविंग बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट कीजिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इस लॉकडाउन में डिस्कवर किया वो है फूड। आई थिंक आप में से हर कोई इस बात से रिलेट कर सकता है कि फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इस पूरे लॉकडाउन का। जी हाँ, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को लाइक वेराइटीज़ मिल रही हैं खाने की। जब शॉप्स ओपन रहते हैं तो हम जैसे हर कोई बाहर जाकर खाना प्रेफर करता है, हर कोई बाहर का खाना खाना प्रेफर करता है, बट हम ये देख
पाए हैं इस पूरे लॉकडाउन में कि हम बिना बाहर का खाए भी आराम से जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम घर में बनाकर खा सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी और हाइजीनिक हो सकता है। कितने सारे लोगों को खाने के लिए कुछ जो नहीं मिल पाया है, वो लोगों के लिए काफ़ी सारी हेल्प भी की गई है बहुत सारे लोगों के द्वारा। बट जिनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने बेहतरीन और लजीज खाने जो रेस्टोरेंट होटल्स में बनते हैं वो सारे खाने अपने घर में बनाए हैं। हर एक इंसान अपनी एक स्किल को डेवलप कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कुकिंग अगर आपका पैशन है, तो अगर आप जॉब करते हैं, आप अपनी हैक्टिक लाइफ से इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि आप अपने पैशन को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अगर ये लॉकडाउन का पीरियड ने आपको ये चीज़ के लिए इनकरेज किया है और आपने इसे फूड कुकिंग या फिर अपने किसी और स्किल को इन्हेंस किया है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको शुक्रगुजार होना चाहिए लॉकडाउन का। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ सीखी है लॉकडाउन से। फिफ्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो फ्यूचर है। जी हाँ, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। काफ़ी सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के भी ऐप्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपना एंटरटेनमेंट किया, साथ में किसी ने कंटेंट्स क्रिएट करके दूसरों का एंटरटेनमेंट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया अपने थॉट्स को रखने के लिए, अपने विचारों को शेयर करने के लिए, अपने तरफ से कुछ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और कुछ लोग इसे देखकर एंटरटेन होते हैं और इससे उनका मन भी लग रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक फ्यूचर होने वाला है और है भी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये फ्यूचर है भी और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये होने भी वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है ये हैं पांच ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मुझे इस लॉकडाउन से सीखने को मिली हैं। होपफुली आपको भी कुछ ऐसा ही सीखने को मिला होगा। अगर आप इनमें से किसी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। आपसे फिर मुलाकात होगी दिखी बात के साथ। नमस्कार।